क्या हुआ? झूठ बोल लेते हो ऐसे तो मतलब कि अब चला पता को सब कर दूंगी मैं बहन से काम करवाऊंगा नौकर वाले एक एक अलग होता है कि रिश्ते में रेंट पे रहते हो तुम रखा हुआ है एक साल से एक काम करो आप इस पर काम कर लो ठीक है ना एक महीना नहीं दो महीना नहीं तीन महीना नहीं जब आएगा तो अच्छा आएगा। हेलो वीडियो कैसे हैं आप लोग मैं चलो होस्ट हूँ आपका दोस्त फिर से वीडियो साथ। तो गाइस आज की वीडियो में ऐसा होने वाला है कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी ठीक है नहीं देखी होगी तो मैं लिंक में कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा। बाकी ऐसा है कि सीन भाई मैंने एक लड़की की शादी करवाई थी ठीक है ना मतलब कि शादी में ऐसा कि भाई उसको ना एक जरूरत थी कि पार्टनर की और उसका एक बेबी था ठीक है और उसके हस्बैंड वगैरह की डेथ हो गई थी तो भाई मैंने शादी करवाई उसकी शादी करवाने के बाद भाई उसका अब मेरे पास कॉल आया समथिंग हो गया महीना भर शायद हो गया 15-20 दिन महीना भर ऐसा कुछ शायद हो गया है ठीक है। तो उसकी कॉल मेरे पास अब आती है और मुझसे सीधा बोलती है और रोती है कॉल पे और रो के बोलती है कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ बहुत ही। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है तो उसने बोला कि मिलके ही बताऊंगी कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और हाँ मैंने कैमरा इसलिए लगाया कि बहुत लोग बोलते हैं ना भाई कैमरा लगाने की जरूरत है क्या भाई मैंने कैमरा इसलिए लगाया क्योंकि वो सोशल मीडिया से ही मेरे पास आई थी ठीक है ना और वहीं से ही शुरुआत हुई थी मिलने और बात करने की। बाकी मैंने इसलिए कैमरा लगाया है कि भाई वो चीज़ जो भी सामने बात हो मेरी या कुछ भी बात हो सामने रिकॉर्ड हो भाई मेरा काम है ये ठीक है ना। बाकी कमेंट जो लोग करते हो भाई करते रहो क्योंकि भाई आप लोग बोलते हो कि फेक वीडियो ये है वो है तो भाई हम लोग को पता है कि फेक नहीं है। बाकी वो लड़की आने वाली होगी यहाँ पर देखते हैं भाई कि क्या सीन है भाई कैसा है नहीं है क्योंकि रो रही थी बहुत ज़्यादा रो रही थी यार कॉल पे। अब मेरे को लग रहा है कि शायद हस्बैंड वगैरह से कुछ बात ऐसी हुई होगी शायद ठीक है ना क्योंकि छोटा बेबी भी है और उसका बेबी 2 या 2.5 साल का कम समथिंग बेबी भी उसका है ठीक है ना। अब क्या बात है नहीं बात है मेरे को कुछ नहीं पता भाई वो आ रही है मैं उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई पूछते हैं उससे क्या चीज़ें नहीं चीज़ें आप भी वेट करो मैं भी वेट करता हूँ। हाँ बाकी जब तक लिए काम करो चैनल सब्सक्राइब कर लो बाकी घंटा आ रहा है ना उसको दबा लो ठीक है मिलता हूँ मैं आपको वीडियो में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रोक क्या हुआ रोक ही रहो भैया मैं बहुत क्या हुआ मुझे बताओ आराम से क्या हुआ है रो मत अब भाई बोल रही हो रो भी रही हो क्या हुआ बताओ क्या हुआ क्या बेटा हुआ क्या है मेरे को ये बताओ क्या हुआ है ये बताओ क्या हुआ है बेटा सुनो मेरी बात सुनो हुआ क्या है मेरे को ये बताओ रो मत रोने से कुछ होगा ये बताओ क्या हुआ कॉल पे रो रही हो यहाँ पे आकर रो रही हो क्या बात करती हो बताओ मेरे को हुआ क्या है अच्छा हस्बैंड ने करा कुछ नहीं वो तो बहुत अच्छे मुझे बहुत प्यार करते फिर क्या हुआ इधर आओ आराम से क्या हुआ बताओ क्या हुआ क्या बात हुई बताओ भैया मैं बहुत परेशान क्यों परेशान क्यों हूँ क्या बात हुई है मेरे को कुछ बात तो बताओ क्या बात हुई है कुछ बात बताओगे जब भी तो मैं कुछ उसी को हल करूँगा ना बताओ क्या हुआ है कोई दिक्कत कुछ तुम्हारे से क्या बोलते हैं ससुराल वगैरह से कोई दिक्कत है नहीं भैया वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो लोग भी मुझसे लड़की के माँ बाप तो कुछ दिक्कत नहीं रहे ना नहीं वो अपनी मेरी लड़की को अपनी लड़की समझता है वो। अच्छा तो मतलब कि क्या बेबी कहाँ है वो तो घर पे अपनी दादी के पास है। दादी के पास है तो क्या मतलब क्या हो बताओ मेरे को क्या रो क्यों रो पहले आंसू पहुँचो भाई हो ना आपका भाई हो ना बहन हो ना मेरी चुप रहो अब बिल्कुल रोना नहीं है चुप रोना नहीं है क्या हो बता क्या हो भैया मेरे हस्बैंड की जॉब क्या हुआ है आपको कुछ नहीं हुआ पर वो 15,000 कमाते भैया आप तो सोचो कि 15,000 में कुछ होता भी नहीं है। अच्छा 15,000 सैलरी है वो तो बता रहा था 25,000 है नहीं 15,000 वो झूठ बोल देते झूठ बोल लेते हो अच्छा तो मतलब कि अब चला पता वो बाकी और कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा और कोई बस ये सैलरी वाली बात है गलत वो झूठ बोली है ना तो इसमें रोने वाली बात क्या है 15,000 सैलरी में तो इसमें रोने वाली बात क्या क्या चाहिए आपको हेल्प क्या चाहिए कुछ पैसे चाहिए मैं पैसे करूँगा आपको नहीं भैया पैसे नहीं चाहिए फिर क्या चाहिए आपको बताओ जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा क्योंकि मैंने बहन माना आपको दिल से ठीक है आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा आप मुझे बताओ क्या है क्या दिक्कत चाहिए क्या परेशानी है ठीक है क्या चीज़ मुझे चाहिए आपको वो बताओ मेरे को आप रो मत देखो ऊपर देख के बात करो क्या हुआ है बताओ मेरे को बताओ मैं वो हेल्प करूँगा आपकी रोना नहीं है अब बताओ क्या हुआ है भैया मुझे एक जॉब दिला दो बस मुझे एक जॉब चाहिए उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप अपने घर में रख लो मुझे मैं झाड़ू पोछा सब कर लूँगी मैं आपके घर में मैं बहन से काम करवाऊँगा नौकर वाले एक एक अलग होता है कि रिश्ते में मतलब कि भाई बहन का रिश्ता है तुम आगे बर्तन धो रही हो ऐसे झाड़ू मार दे रही हो ऐसे तो ठीक है रिश्ता है बट उसके पैसे दूंगा मैं उसके पैसे दूंगा तो मैं ऐसे पैसे ना कर दूंगा आपको हेल्प तो रो ऐसा कुछ नहीं रो मत क्या क्या जॉब चाहिए जॉब बता क्या चाहिए क्या दिक्कत आ रही 15,000 सैलरी में क्या दिक्कत आ रही घर नहीं चल पा रहा भैया घर कहाँ से चलेगा बच्चे के इतने खर्चे होते हैं दिक्कत हो रही है 15,000 में भैया नहीं हो सकता कुछ भी मैं आपसे बोल रही हूँ आप अपने मुझे घर में रख लो बेटा मैं आपको कैसे रखूंगा घर में एक बार बताओ मेरे को घर में नौकर बनाऊंगा आपको मैं बहन को हैं भैया कोई बात नहीं मानता हूँ मुझे करना पड़ेगा मैं क्या करूँ मैं उस आदमी ने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी तो उसके लिए कुछ कर सकती हूँ ना
तो मतलब बेबी का दूध नहीं हो पा रहा क्या भैया? उसका तो हो पा रहा बट सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए आगे कुछ, मैं उसके लिए सेविंग्स करूँ। हमने कुछ कर पाया एक्चुअली, वो तो कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। अच्छा तो बताओ बेटा मैं क्या करूँ, जॉब चाहिए आपको? हाँ मुझे कोई जॉब दिला दो भैया, कोई अच्छी सी जॉब चाहिए आपको। तो यार जॉब बेटा, जॉब तो कहाँ कर पाओगे आप? देखो बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, फिर जॉब करने जाओगे, वो हस्बैंड भी जॉब पे जाएगा, तुम भी जॉब पे जाओगे, तो कुछ संभालेगा कौन उसको? भैया उसके दादी दादा बहुत दादी, प्यार करते हैं उसको। यार एक माँ अलग होती है ना, माँ माँ होती है, समझ रहे हो? माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई ले पाएगी? नहीं ले पाएगी तो कैसे जॉब करोगे यार? क्या करूं? क्या मतलब 15,000 में क्या, मतलब 15,000 के बाद क्या करना चाहते हो आप? मुझे पूरा बताओ कि क्या करना चाहते हो आप, क्या हेल्प करना चाहते हो अपने हस्बैंड की, वो बताओ मेरे को एक बार। भैया उनकी 15,000 की सैलरी है, उसमें क्या क्या ही कुछ हो सकता है, पूरे महीने में यूं ही खर्च हो जाते हैं। अच्छा तो मतलब कि सेविंग नहीं हो पा रही है। 10-15 हज़ार की मेरी भी कोई जॉब लग जाए। 10-15 हज़ार की कोई जॉब लग जाए ना। हाँ अब यार देखो जॉब वगैरह तो यार बेबी है, माँ माँ होती है, आपको पता ही है ना यार। भैया बट मैं ये भी चाहती हूँ ना, मेरी जो मैं कमाऊंगी, मेरे हस्बैंड मतलब हम साथ में रहे, मिलजुल कर रहे, मेरी लड़की भी आगे कुछ कर सके, वो भी कुछ बोले कि हाँ मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ किया है। अच्छा भैया थोड़े सेविंग्स कर करके थोड़ा अपना घर बनाऊंगी। भैया आपको तो पता ही मैं रेंट पे रहती हूँ। रेंट पे रहते हो? हाँ बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आ रहा कि यार देखो जॉब 10,000 तो रेंट पे चले जाते हैं। और फैमिली में कौन कौन है उनके, हमारे हस्बैंड के? उनके मम्मी पापा है बस, और ये मम्मी पापा है। कोई नहीं, एक काम करो, मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है ना? मेरे पास चैनल है एक, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं जॉब तो लगवा पाऊँगा नहीं, क्योंकि देखो यार मेरे को थोड़ा सा ना जॉब वगैरह, देखो मैंने बहन बोला है आपको, समझ रहे हो ना? और बहन का मतलब ये नहीं है ना यार कि कहीं भी मैं आपको जॉब लगा दूँ। जब मेरे पास कुछ है जरिया तो मैं आपको वहाँ से कमाता हूँ पैसा, ठीक है? ये देखो ये मेरा चैनल है एक, जो फालतू में रखा हुआ है 1 साल से। एक काम करो आप, इस पर काम कर लो, ठीक है ना? एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, जब आएगा तो अच्छा आएगा, ठीक है, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10-15 हज़ार तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, इसमें मैं कैसे करूँगी इस पर? तेरा भाई खड़ा है ना यहाँ पे, जब मैं इतना कर रहा हूँ तो वो भी करूँगा ना। रोना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि रो के अपने आप को, रोके क्या हो जाएगा, रोके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं था रोके, ठीक है? मैं जितना मुझसे होगा उतना मैं हेल्प करूँगा, जैसे मैंने पहले हेल्प करी मैं अभी भी हेल्प करूँगा, ठीक है? रोना नहीं है, बस मुझे इतनी खुशी मिली कि हाँ चलो ठीक है, वो जो लड़का था वो अच्छा निकला, उसकी फैमिली अच्छी निकली जो सपोर्ट कर रही है। नहीं और भैया वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को, पर मैं भी चाहती हूँ उनके लिए मैं भी कुछ करूँ। हाँ वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, वही तो खुशी मिली। कोई नहीं, तुम चैनल पे काम करो, ठीक है? बाकी रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है, ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा कि फैमिली को सुन के कि हाँ ये है कि सही था, अच्छा था बहुत। तो गाइस कैमरा लगा हुआ आज भी, ठीक है, क्योंकि दिखाना होता है ना, सामने लगा देखो रहा। तो गाइस ऐसा है कि ये है, नाम बताओ पहले अपना। पायल, ठीक है ना? ये पायल है जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जो नशेड़ी एक बुड्ढा जो आके मतलब दोस्त से शादी करना चाह रहा था, है ना? तो ये वही है। तो बाकी ऐसा है कि भाई जॉब करने के लिए बोल लिया, मैंने उसको बहन बोला है, तो अब मैं कैसे जॉब पे भेज सकता हूँ यार, समझ रहे हो ना? और बेबी भी है 2-2.5 साल का, चलो जॉब पे जा भी रही है, ठीक है ना? मैं कहीं पर लगवाऊंगा अच्छी जगह जॉब, मगर 2-2.5 साल का बेबी है तो बेबी का ख्याल कौन रखेगा, है ना? चलो ठीक है, उसकी उसके दादी है, ठीक है, नाना क्या बोलते हैं दादा है, तो उससे देखो माँ माँ होती है, समझ रहे हो? माँ की जगह कोई ले नहीं पाएगा भाई, ना किसी ने लिया है और ना कोई ले पाएगा आगे भी। तो कोई नहीं भाई, चैनल पे मैं काम करवाऊँगा, ठीक है ना? जितनी भी हो सकता है मैं इसकी हेल्प करूँगा, दिक्कत मत है, ठीक है? दिक्कत से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता, रो मत, ठीक है भाई? गाइस वीडियो शेयर कर देना, और आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले हेल्प करने का तो पक्का हेल्प करो लोगों की, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ हेल्प करो सबकी, क्योंकि देखो यार आप किसी की हेल्प करोगे ना तो कभी ना कभी आपको भी यार कुछ ऐसा होगा कि आप कहीं फंसे हो तो आपकी कोई मदद कर सकता है वहाँ पे जाके, ना? ऊपर वाला है ना, सब कुछ करता है। बाकी वीडियो को भाई प्यार सपोर्ट दिखाओ, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलो तुम्हें कुछ खिलाऊं पिलाऊं, पहले पतली ऐसी हो रही हो और बच्चा भी 2-2.5 साल का। गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?